नमस्कार साथियों, धर्मा फार्म में आपका स्वागत है। ये जो सर्दी की सब्जियां हमने लगाई हैं, आपको पहले भी कुछ वीडियो से बिजाई दिखाई थी कि कैसे लगाते हैं इसको, तो अभी इसमें ये हमारी 20 दिन हो चुके हैं, जर्मिनेशन हो आई है सभी सब्जियों की और देखो इस स्टेज पर पहुंच गई हैं। ये गाजर और मूली, गाजर है इंटरक्रॉप, मूली है इसमें। ये मूली के प्लांट्स हैं जो बड़े ग्रीन वाले पत्ते हैं जो, और ये गाजर है, ये जो छोटे प्लांट्स हैं अभी बारीक पत्ते हैं जिनके। तो इसमें हमने निराई गुड़ाई की है, जो खरपतवार नियंत्रण है आप देख रहे हो कि अभी ये उखाड़ के फेंक दिया है हमने। इस साइज तो जैसे क्लियर है, आगे दिखाता हूँ कि कैसे खरपतवार हटानी है इसकी। तो इधर तो ये गाजर है हमारी 2 कनाल के लगभग एरिए में, और इसके अंदर मूली और चकुंदर शलजम ये थोड़ा थोड़ा बीज डाला है ताकि बीच में वो ग्रोथ कर जाएगा। ये जो ऐसे प्लांट्स हैं ये चकुंदर के हैं, ये वाले। तो इधर जैसे देख रहे हो, आपको खरपतवार दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमने हाथों से निकाल दिया है इस साइड सारा का सारा, क्योंकि कोई हर्बिसाइड यूज नहीं किया था। जो खरपतवार नाशक होती है दवाई, वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है, अगर वो करते तो कोई भी पेस्ट, ये अपना जो हर्ब्स हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, खरपतवार हैं, वो नहीं उगती। लेकिन अभी उसका यूज नहीं किया हेल्थ दिखाने के लिए, क्योंकि उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप सभी को पता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये जैसे इधर हमने निकाल रखा है, उखाड़ उखाड़ के डाल रखा है, ये देखो ये बथुआ खरपतवार के रूप में उगाया था, ये घास है, तो इसको हाथों से निकाल रहे हैं अभी। ये देखिए आप, इस एरिया में नहीं निकाला है, तो आप देख सकते हो ये जैसे खरपतवार हैं सब, घास है उधर, बथुआ है, वो दूसरी हर्ब्स हैं, ये मोथा है, और ये सब। तो इनको ऐसे हाथ से ही निकालना पड़ता है एक एक करके, कि भाई ऐसे, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें अपना जो खरपतवार कंट्रोल करने का। इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है हमारी, जहर मुक्त खेती जो हम करते हैं कोई भी, उसमें सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसमें हार्ड वर्क है वो ज़्यादा है, मैनुअल पावर ज़्यादा कि ज़्यादा ज़रूरत होती है लेबर की। अब ये देख रहे हो आप कितना ज़्यादा खरपतवार है, मतलब 50-50% है, इतनी ही फसल है, इतना ही खरपतवार है। ऐसे इसको ये ऐसे निकालना पड़ता है हाथ से ही, अपनी गाजर और इनको छोड़ देना है। जैसे ये गाजर है तो ये मूली, मूली के प्लांट्स हैं, ये सब ऐसे ये सब हटा देते हैं हाथ से। तो अभी हमें 4-5 दिन हो गया इसमें लगे हुए, धीरे धीरे इसको क्लियर कर रहे हैं। पीछे से जैसे मैंने दिखाया था आपको, क्लियर करते हुए आए हैं, लगभग हाफ तो पूरा कर दिया है, ये हाफ बचा है इस साइड का पूरा कर दिया। अब आपको आगे की सब्जी दिखाते हैं, और जो सारी सब्जियां लगा रखी हैं आज, आपको सारा क्लियर करते हैं कि क्या क्या उगा रखा है हमने अपने खेत में। ये इधर एक रो है जो ये आलू की है, पहले गाजर है वो, फिर उसके बाद एक रो आलू, ये आलू है ऐसे रो में लगा रखे हैं ये। अभी इसमें 5-7 दिन बाद मिट्टी चढ़ा देंगे, इसमें भी खरपतवार है, जैसे ये देखो कितना उगा हुआ है, तो ये सारा हाथ से हटाना है। तो वो हाथ से जैसे मिट्टी चढ़ाएंगे ये निकल जाएगा इसका। आगे इसमें जो है अपनी एक रो है ये जो इसकी मेड पर थोड़ी बीच में जो बची हुई, इस पर गोभी लगा रखी है एक लाइन, ये देख रहे हो ये गोभी के प्लांट्स हैं। ये आगे 56 कद्दू आ गए हैं, जो कि पहले भी वीडियो बनाई है जिस पर मैंने
ये एक रो है पूरी की पूरी, और उधर से उधर तक पूरा 56 कद्दू है। ये देख, इसका हमने जैसे आप देख रहे हो खरपतवार दिखाई नहीं दे रही है, खुरपी से सारा निकाल दिया है खरपतवार सारी, और निराई गुड़ाई इसके हाथों से ही की है अपनी खुरपी के द्वारा। इसके आगे इस नेक्स्ट रो में ये हवी धनिया है, ग्राइंडर ग्रीन धनिया, अभी जैसे जर्मिनेशन होके ये धनिया के प्लांट्स हैं सारे, और ये खरपतवार है, इसको भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अभी जैसे गाजर पूरी हो जाएंगी, गाजरों को निकाल देते हैं 1-2 दिन में, फिर इनको भी क्लियर करना पड़ेगा ऐसे ही। इसके बाद इधर लेके चलता हूँ, ये हमने मैंने 2-वे फार्मिंग कर रखे है अपने हाफ प्लाट में, जैसे इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ये ऊपर स्टैकिंग कर रखी है, बांस गाड़ के घिया लगा रखी है। ये देख, ये तो स्टैकिंग के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, ऊपर तो घिया हो जाएंगी और नीचे दूसरी फसल जो लौकी है वो ऊपर, ये है घिया लौकी जो भी आप बोलते हो। ये देखिए इसके फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखो बीच में इसमें जैसे खाद भर के गड्ढे बना के मैंने बीच बीच में ये ऐसे लगाया हुआ है, उसमें लौकी लगाई हुई है। ये लौकी की फ्रूटिंग देखो आप। इसके बाद इधर ये देखो, ये चने का साग, इधर कटाई कर दिया है मैंने अपना बेचने के लिए, जो कस्टमर हैं उनको पूछ दिया है। और ये देखो ये चने का साग है, कुछ क्यारियों में चने का साग है। तो जो सर्दियों की सब्जियां हैं मोस्टली सारी सीजनल वेजिटेबल लगा रखी है हमने। ये उस धनिया की रो के बाद एक रो है ये मेथी की है, मेथी और मूली। मूली इसमें जैसे पहले तैयार हो जाती है, मूली जल्दी तैयार हो जाएंगी ग्रोथ करके, तो मूली उखाड़ लेंगे, फिर मेथी मेथी बच जाएगी। तो ये इंटरक्रॉप मूली की हो सकती है, गाजर में मेथी में इनमें, तो ये अपनी मेथी है, ये पूरी रो है लास्ट तक। ये किन्नू का पेड़ है बीच में, किन्नू लगा रखे हैं 2-4 पेड़। ये फिर उसके बाद पालक की रो है, ये देखिए पूरे खेत में पूरा का पूरा रो है। इसके आगे लहसुन है, हरा लहसुन, ये लहसुन का पेड़ ऐसा होता है, तो ये कुछ क्यारियों में अपना लहसुन लगा रखा है। अभी पूरा जैसे ग्रोथ नहीं हुई है ज़्यादा, तो अभी उगा ही है इसलिए कम दिखाई दे रहा है। ये अपना पालक, इनमें भी वही है, तो आप देख सकते हो कितनी खरपतवार है। ये बीच में बथुआ है और दूसरी चीज़ें हैं, तो ये लगभग ज़्यादा नहीं तो 35-40% तक खरपतवार है, 60% अपनी फसल है। तो उसको भी सेम प्रोसीजर यही है, अपना हाथों से ही मैन्युअली निकालना पड़ता है खरपतवार। अगर हमें जहर नहीं छिड़कना है, कोई खरपतवार नाशक यूज नहीं करना है, तो इसका ऑप्शन तो यही है, अपना मैन्युअली ही काम करना पड़ता है। तो ऐसे ये खरपतवार नियंत्रण होता है अपनी जो भी फसलें हैं। गर्मियों वाली चीज़ें हैं उनमें तो हम टिलर का यूज़ कर सकते हैं, रो टू रो लगा के, लेकिन सर्दियों में तो ये जो सर्दी वाली फसलें हैं इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको जहर मुक्त खाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके आगे ये पशुओं के चारे के लिए मक्खन ग्रास है, ये देख रहे हो अपना पालक मेथी किन्नू लगे हुए हैं, अपने पेड़ हैं कुछ हमारे पास 3-4। ये देखिए किन्नू, पकने लगे हैं अभी ये। और अभी ब्रोकली का सीजन है, तो थोड़ी ब्रोकली लगाएंगे, अभी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, पौधे मिल नहीं रही है थोड़ा, हम अब की बार तैयार नहीं कर पाए। ये आगे गोभी है,
ये देखिए गोभी के प्लांट्स है। अब गोभी में भी खरपतवार हटाने के लिए देखिए खरपतवार कितना हुआ है। ये बड़े प्लांट्स है, गोभी के हैं और बीच में ये सब है। तो ये न्यूट्रिशन ले लेते हैं उसको, अगर नहीं हटाते हैं तो एरिएशन भी सही ढंग से नहीं हो पाता जड़ों में फसल की। तो इसको हटाने के लिए वही प्रोसीजर है जैसे वो चप्पन कद्दू में कर रखा है, खुरपी लेके इसको सारे को क्लियर करना पड़ेगा। ये तो ये गोभी, उधर वो मेथी, पालक, चप्पन कद्दू, आलू और वो सब देख रहे हो, लौकी बीच में है ही स्टैकिंग, जो इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है अभी, जो लताएं हैं वो उनकी, लेकिन अभी चल रहा है। वो भी हल्की हल्की फैल जाएंगी तो नीचे वाली जो अपनी फसल है वो भी ग्रोथ करेगी और ऊपर भी वो, तो उसमें डबल फायदा हो जाता है, दो फसल हो जाती है। ये जो ये अपनी हरी प्याज, इधर ये दूसरी हरी प्याज लगाई है इसके बाद तैयार होने के लिए, ये बीज लगाया है तो इसमें भी देख सकते हो आप कितनी खरपतवार उगी हुई है। मेन प्याज तो ये है, ये वाली, ये जो प्लांट्स है ये प्याज के हैं, ये बाकी सब खरपतवार है टोटली। ये सब ऐसे हाथ से ही निकालना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं चलेगा, अपना वही प्रोसीजर है, ऐसे एक एक क्लियर करना पड़ेगा आराम से। तो इसको 1 वीक के लगभग सारा कोशिश करते हैं सारे को कर दें क्लियर। तो साथियों ये अपना लगा रखा है कि भाई सारी फसल जो सर्दियों वाली हैं अभी कुछ लगाएंगे, जैसे ब्रोकली है वो और गांठ गोभी है उसके भी, तो ये अपना प्लांट पूरा फार्म है। उधर वो गाजर है, उधर वाली सॉरी, इस बेरी के पेड़ तक, ये बीच में आलू की रो है पूरी, और इसके बाद चप्पन कद्दू अपने, और उसके बाद जो है धनिया, मेथी, पालक, गोभी, हरी प्याज। तो दोस्तों ये जो है अपना फार्म है, ये अपना महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर है। इससे हमारे पास अपने कस्टमर हैं जो जहर मुक्त खाना पसंद करते हैं, तो हम उनके लिए उगाते हैं। अपना प्रोड्यूस कभी मंडी में ले जाना ये नहीं हो पाता, तो मोस्टली हमारा यहीं बिक जाता है अपना, जो क्योंकि हेल्दी खाना सब खाना पसंद करते हैं, इसलिए सभी को नॉलेज है कि भाई क्या बेटर रहता है, क्या चीज़ है। तो आप लोग ऐसे कुछ जो भी किसान है वो उगा सकते हैं, और जो कस्टमर हैं या जो नहीं उगा पाते तो वो अपने किसी किसानों से उगवा सकते हैं, अगर उनको बोलेंगे तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, अगर उनको आप रेट दोगे सही रहेगा, तो आपकी भी हेल्थ के लिए सही रहेगा और सभी के लिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्यूरी हो, कोई बात हो जो हमसे रह गई हो या कोई पूछना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी दें आप। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें हमने जो किनारे किनारे हैं ये सिंगरी जो कि रेडिश बीन्स होते हैं उसके प्लांट्स लगा रखे हैं, ये मूली जैसा ही दिखाई देता है, और बाकी खेत के चारों तरफ उधर जो है वो राई के कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं किनारे किनारे पर खेत के चारों तरफ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये जैसे कि इधर ये किनारा है इसका अपना, तो ये राई के प्लांट्स लगा रखे हैं, राई जो इस पूरे खेत में चारों तरफ ऐसे राई है ये। तो इसमें ये है कि राई ये सही ग्रोथ करेगी, शाख के लिए बिक जाएगी बाद में, उसके जो राई सीड्स हैं जो यूज होते हैं सब्जियां वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें अपना यूज कर सकते हैं। थैंक यू।